कटनी में बरही के जंगल में बाघ ने एक युवक पर हमला कर दिया। बाघ के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस इलाके में बाघ पहले भी इंसानों पर हमला कर चुका है। कटनी जिले के बरही वन परिक्षेत्र में इन दिनों लगातार बाघ के हमले में लोग घायल हो रहे हैं। आज फिर करेला बीट के केवलारी में शौच क्रिया करने गए प्रमोद भूमिया पर बाघ ने हमला कर दिया। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लोगों की मदद से बरही अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की सूचना लगते ही बरही वन क्षेत्र के रेंजर डॉक्टर गौरव सक्सेना, डिप्टी रेंजर रामयश मिश्रा, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। हाँ, घटना ये है कि जो हमारा करेला बीट है, करेला बीट में 485 का आर एफ फॉरेस्ट है, उससे लगे हुए गाँव है, तो वहीं पर ये प्रमोद भूमिया है। ये वहाँ पर शौच कर निकली गए थे जंगल में भी, तो वहाँ पर बैठा देख करके टाइगर को भ्रमित हो गया कि कोई पशु हो, तो उन्होंने पीछे से उस पर अटैक करने की कोशिश किया। फिर जैसे ही खड़े हुए चले गए, उस दौरान के कुछ नाखून लगे हैं पीठ पे और कंधे पे नाखून लगे हैं। और यहाँ पे लेकिन एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी बरेला पे के आसपास टाइगर का मूवमेंट था, जिसको कि वहाँ पे कैमरे लगाए गए हैं, ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। बांधवगढ़ की टीम भी वहाँ विजिट कर रही है और वहाँ इधर भी आ रहा है। लोगों को ये सावधानी दी गई है कि अभी कुछ दिनों के लिए वो जंगल में अकेले न जाए। टाइगर ने इसके पहले भी 8 सितंबर को एक व्यक्ति पर हमला किया था। एक सप्ताह में ये बाघ के हमले की दूसरी घटना है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर लगातार लोगों को जागरूक कर रही है कि कोई व्यक्ति जंगल की ओर ना जाए। इसके बावजूद लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और बाघ के हमले से घायल हो रहे हैं। बाघ जंगल में है, जंगल में ही रहता है और जंगल में जाता है बाघ, क्योंकि बाघ मांसाहारी जानवर है और क्योंकि ये नया बाघ दिख रहा है जो अभी दो लोगों के तीन जगह हमारी भी टीम लगी हुई है, बांधवगढ़ की भी टीम आई हुई है, जो हम लोग देख रहे हैं कि ये सब एडल्ट बाघ है और ये अभी मानसिक शिकार हुआ है। तो अभी हनुमान को भी गिनती हुई है, तो गिनती का भी रिजल्ट आया नहीं है, पर जो एक हनुमान था कटनी जिले में बांधवगढ़ से लगा होने के कारण बाघ विचरण करते रहते, आते जाते रहते हैं। 8 से 10 बाघों की रिपोर्टिंग हम लोगों के पास है। ग्रामीणों की जगह से हाथी दल को भी बुलाया गया है, बांधवगढ़ से चल चुके हैं, तो संभवतः कल तक पहुंच जाएंगे और उनको हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जंगल तक ही सीमित करें। ड्रोन की सहायता, चूंकि जंगल क्षेत्र का बड़ा होने के कारण उसका बहुत अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहा है, मुझे इसकी सबसे अच्छी मॉनिटरिंग हम टाइगर उसके एलिफेंट से कर सकते हैं। एलिफेंट हम चल चुके हैं और संभवतः आसाम तक या कल सुबह तक पहुँच जाएंगे। ये घटना जो आप बता रहे हैं ये भी हुई थी, आज की घटना है, जिसका प्रारंभिक उसको तत्कालिक सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है, उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया, जहाँ पे इलाज चल रहा है, जो भी उसके इलाज में व्यय आएगा वो वन विभाग के द्वारा वहन किया जाता है। प्रतिदिन उसके मजदूरी के हर्जाने के रूप में भी जितने दिन वो हॉस्पिटल में रहेगा या काम करने योग्य नहीं रहेगा, 500 रुपये प्रतिदिन शासन में नियम है उसको हर्जाना दिए जाने का। इसके पहले 3-4 दिन पहले और एक हफ्ते पिछले हफ्ते एक आदमी को घायल किया था, उसको प्रारंभिक उपचार वहाँ पे हमने बरही में कराया, उसके बाद वहाँ से रिफर करा के उसको MGM हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया और उसका बराबर इलाज किया कराया जा रहा है। जो भी उसके इलाज पे गया आएगा, जो भी उसके शासन के द्वारा उसकी प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।